हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ खुजानी और मेरा मॉडल जो है वो स्वास्थ्य स्वच्छता पर आधारित है। और जो मेरा मॉडल है उसका नाम है अंडरग्राउंड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। इसमें क्या होगा कि हर घर के बाहर एक स्मार्ट डस्टबिन लगेगा। ऐसे डेमो हमने लगाया है और हर घर के बाहर एक ऐसे स्मार्ट डस्टबिन लगेगा। इसमें क्या, अगर हम सिंपल डस्टबिन लगाते तो क्या होता है कि जैसे हम कचरे को थ्रो करते तो कचरे का प्रेशर आता, इसके कारण जो अंदर हमने कॉन्वेयर बेल्ट लगाया हुआ है, इसमें हमने कॉन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, इसमें अपन जैसे ही कचरा डालेंगे तो फैन की वजह से जो मतलब अपने जो घर का हल्का कचरा रहता है, जो बच्चे करते हैं कागज वागज, वो पूरा अलग हो जाएगा। मैग्नेट की वजह से जो मतलब जो लोहे का कचरा रहता है वो पूरा अलग हो जाएगा। और दूसरा जो भी कचरा हमारा बचेगा वो इस बॉयलर में आएगा। बॉयलर में कचरा क्या होगा, पानी की वजह से जो कचरा कौन सा बचा रहेगा, जैसे कि केले के छिलके, अपने घर पर जो सब्जियों के जो छिलके रहते हैं वो सब छिलके इस बॉयलर में आएंगे। इस बॉयलर में छिलके और पानी से मिक्स टेम्परेचर पर वो छिलके बॉयल होंगे। तो जैसे ही बॉयलर में यहाँ से स्टीम निकलेगी, स्टीम से जो टर्बाइन रहेगा वो रोटेट करेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। और छोटे छोटे गांव रहते हैं वहाँ पर ये प्लांट हम लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करने मिले और सभी के गरीब हो गए सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हो सके। ये हमारा स्मार्ट डस्टबिन। इसमें आप देखे होंगे कि आपके दिमाग में सवाल क्या होगा कि ये क्या चीज़ है। इसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया है हमारे मॉडल का नाम अंडरग्राउंड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। इसमें क्या, अगर अपन सिंपल डस्टबिन लेते तो कचरे को अपन थ्रो करते तो कॉन्वे बेल्ट के ऊपर कचरा आता तो प्रेशर से आता, इसलिए अपन ने स्मार्ट ये स्केल लिए। इसमें अपन ने जैसे अपन इसमें कचरा डालेंगे तो जो कचरा रहेगा वो इसमें डालेंगे तो वाइब्रेशन होगी, तो स्केल से जो कचरा रहेगा वो टकराएगा, तो जो अपने सूखा कचरा रहेगा वो भी पूरा अलग अलग हो जाएगा और जो गीला कचरा रहेगा वो भी पूरा जैसे डालेंगे तो ये स्केल के वाइब्रेशन से जो कचरा अलग अलग हो जाएगा और वो स्लो से आएगा, जिससे कॉन्वे बेल्ट हमारा इजीली चालू हो सके। मेरा जो मॉडल है उसका नाम है गटर ड्रेनिंग मशीन। इसीलिए आपको देखो, ये मॉडल देखने से पहले आप पीछे पोस्टर देख ले, यहाँ पे देखा होगा मुंबई में और पुणे में वहाँ पर बड़े बड़े गटर रहते हैं जिसमें वो बारिश के कारण जो भर जाते हैं, तो ये गरीब मजदूर है वो अपनी मजबूरी के कारण इस गटर में उतरते हैं, आधे डूब के मर जाते हैं, आधों को स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से उनको स्किन कैंसर भी हो सकता है। और आपने देखा होगा कि मतलब जो हमारा देश की सफाई कोई और कर रहा है, किसी इनाम की शोर को मिल रहा है, इसी बात को निगरानी रखते हुए मैंने ये मॉडल बनाया है। इसमें क्या, जैसे ही मतलब इस मॉडल में क्या होगा, जैसे हम सामान को रोटेट करेंगे वैसे ये जो गटर रहेंगी वो नीचे जाएंगी, नीचे से जो घंटा गटर के अंदर जो पानी है उसे लेके बाहर आएंगी, जिससे मतलब लोगों को अंदर जाना नहीं पड़ेगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये है हमारा मॉडल। अगर अगर मेरे को सरकार आगे का और मतलब देती है आगे जाने का मौका, तो अगर इसमें पलट लगा देते जिसकी वजह इसको आसानी से कहीं भी हम ले जा सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसमें ये आप सोच रहे कि ये पर ये जो ऊपर का ही जो पानी रहेगा उसको लेकर अंदर नहीं ले पाएगा, तो हम इसे फोटो सिस्टम भी कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए और यहाँ से नीचे हो जाए, जिससे मजदूर को अंदर जाना भी नहीं पड़ेगा उनको भी, और हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी ऐसे मशीन बनाने से। ये हमारा गटर ड्रेनिंग मशीन। और अगर आप चाहें तो इसे घर के हमारे मतलब जो गाँव है वहाँ नालियों में, वहाँ पर भी नालियों की सफाई करने में भी यूज़ ले सकते हैं। साथ ही एक और बात ये है कि अगर अभी अपने हैंडल लगाया है, अभी इस मतलब ये मोटर को अभी पूरा बना नहीं चाहिए, अभी यह हैंडल लगाया है, अगर आप चाहे तो इसमें अगर मोटर भी लगा सकते हैं, डीसी मोटर, जिसकी वजह से क्या बार बार आपको हैंडल घुमाना नहीं पड़े। देखा होगा बड़े बड़े गटर रहते हैं तो उसमें बार बार हैंडल हम घुमा नहीं सकते बहुत देर तक, तो हम चाहें तो इसमें बड़ी मोटर भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे अपन मोटर चालू करेंगे गटर क्लीन हो जाएगा, और जैसे ही गटर क्लीन होगा मोटर को बंद कर देंगे, जिससे हमारा मजदूर को भी उतना पड़ेगा, यही सच रहेगा और मजदूर की हमारे इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला मॉडल है रोड क्लीनिंग लेकर। इसमें आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी सिटियों में बड़े बड़े रोड होते हैं, जिसकी वजह से जो मजदूर रहते हैं वो कितनी देर तक सफाई करेंगे, वहाँ पे बड़े बड़े रोड होते हैं वो, तो इसलिए हमने मॉडल बनाया है। इसमें क्या कि हमने दो डिस्क लिए, जैसे ये डिस्क रोटेट करेंगे तो आगे का जो भी गंदा कचरा रहेगा वो साइड में आ जाएगा, और ये पीछे से जो मतलब जो कचरा है वो भी साइड में करने की प्रोसेस है। जो भी कचरा जैसे कि पॉलीथीन और जो छोटे छोटे कचरे रहते हैं वो सब साइड में हो जाएंगे। फिर अगर आपने देखा होगा हमने ये और हमने ये बटन लगाई है, इसकी वजह से जो मतलब रोड को हम धो भी सकते कहीं मतलब जो मतलब वेस्ट वहाँ पड़े हो, जिसकी वजह से, और जो फैन है वो एक और काम कर सकता है कि जो मतलब रोड पे पानी गीला हुआ है उसको हम ये फैन सुखाने का काम भी कर सकते हैं। साथ ही अब ये आपने देखा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि कचरा ये डिस्क साइड में तो कर देगी पर इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, इसलिए मैंने ये मशीन बनाया है जिसमें क्या, जैसे ही अब कचरा ये बाहर पड़ा रहेगा, ये मशीन है जैसे एब्जॉर्प्शन मशीन का नाम है इसका, तो ये मशीन जो कचरे को रहेगी वो अंदर अपने अंदर ले लेगी, जिससे अपना रोड भी क्लीन रहेगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान है वो भी हमारे भारत में कोई पड़ा रहेगा। इसी तकनीक के लिए मैंने ये सब मेरे मॉडल बनाए हैं। स्वच्छता हमारे देश में बनी रहे, नरेंद्र मोदी जी का भी वादा है, और स्वच्छता से हमारा स्वास्थ्य सही रह पाएगा। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।